अरे पॉलिटिक्स में तो आप लोग स्थापित हैं, कोई 72 से है, कोई 85 से, कोई 80 से, कोई 1885 से। देखिए मेरा मानना है भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो भी नियम कायदे कानून बनते हैं उसमें विधायिका का रोल होता है, यानी हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनकी उदासीन सोच रही है या फिर जो भी कारण कहें, क्योंकि आज ये सर्वविदित है कि जितने भी कंपनी फैक्ट्री स्थापित होते हैं उनमें स्थानीय विधायक रहे, स्थानीय जो दल हैं उनके जो नेता रहे उनको काफी मोटी रकम अदा की जाती है, तो ये कमजोरी उनकी हो सकती है। लेकिन अब हम लोग चाहे विधायक रहे या सांसद रहे, अब हम लोग किसी के आश्रित होकर रहने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई बार बार की है, हमारे पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोग का मानना है कि चाहे विस्थापित की लड़ाई हो या फिर अन्य मुद्दों की लड़ाई हो या बार बार की लड़ाई होगी, चाहे जो भी परिणाम होगा, क्योंकि ऐसा परिस्थिति अगर चलता रहे तो आने वाले 20 सालों में मुझे लगता है झारखंड का अस्तित्व, झारखंड का वजूद समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं मैं इसी आंदोलन की व्याख्या करती हूँ, ये कहीं ना कहीं दर्द का आंदोलन था। यदि दर्द का आंदोलन नहीं होता तो 50 लड़के थे, आज 5 करोड़ तक इसकी आवाज पहुंच चुकी है। इसका मतलब सीधा है ये समय का आंदोलन था, नियति का आंदोलन था, ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। नियति समय चाहती थी कि दर्द लोगों के लिए कोई आवाज बने, एक आंदोलन हो और जितने शोषित वंचित लोग हैं वो एक जगह आए और इस बार आखिरी अपनी जो अंतिम निर्णायक लड़ाई उसे लड़ सके। बिहार तत्कालीन बिहार जो था, अरे पॉलिटिक्स में तो आप लोग स्थापित हैं, कोई 72 से है, कोई 85 से, कोई 80 से, कोई 1885 से, आपने ना मौका दिया। जयराम महतो और तमाम जो युवा हैं जो राजनीति का रण ही जानते हैं, नौसिखिए हैं, अभी भी नाक साफ करते दिखते हैं, इनको आपने ना मौका दिया। आप अगर इस राज्य के हितार्थ के लिए, लोगों के दुख दर्द को हल करने के लिए अगर नियम बनाने की बात करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ, किसी ने अग्रवाल के साथ, किसी ने वेदांता के साथ, किसी ने टाटा के साथ, किसी ने BSL के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया। आपको बिजनेस करने के लिए भेजे थे या नियम बनाने के लिए भेजे थे? आज झारखंड के सभी लोगों को समझना चाहिए कि हमने व्यापारी नहीं, हमने MLA चुना था, ये तो व्यापारी बन गए और आज हमें दोष देते हैं। आप सब के सब व्यापारी हैं, आपका सारा चिट खोलेंगे 24 में, सारा चिट खोलेंगे, 1 by 1 चिट खोलेंगे कि आपका कहाँ जमीन है, कहे गए अकाउंट है, उस जमीन की अब दर क्या है, सारा चिट खोलेंगे 24 में कि हमने MLA चुना था, MP चुना था, ये बिजनेस चुना था, कंपनी के दलालों को चुना था। दर्द है। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में भारत न्यूज 24। कोयला राजधानी धनबाद से बनेगा आम जनता की आवाज। धनबाद से 24 घंटे प्रसारित होने वाला पहला न्यूज चैनल। हम समस्या में नहीं समाधान में विश्वास रखते हैं। हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं। सच के परोपकार हैं और आम लोगों की आवाज बनते हैं। सच जाना हम वहां।